नमस्कार, मैं इमराना हिंदुस्तानी और आप देख रहे हैं बिजनौर एक्सप्रेस। अफजलगढ़ स्थित द्वारिकेश शुगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारिकेशपुरम के परिसर में स्थित नर्मदा देवी मोरारका चैरिटेबल ट्रस्ट व सीएल गुप्ता आई इंस्टीट्यूट मुरादाबाद के संयुक्त तत्वाधान में एक निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुरादाबाद से आई करीब 8 चिकित्सकों की टीम व चीनी मिल के डॉक्टर वीर सिंह द्वारा मिल कर्मियों व उनके परिजनों का नेत्र परीक्षण कर उचित परामर्श दिया गया। डॉक्टर वीर सिंह ने बताया कि मील परिसर में समय समय पर जनहित में स्वास्थ्य कैंप लगाए जाते रहते हैं, जिसका समस्त क्षेत्र के किसानों व मील कर्मियों का लाभ मिलता है। शिविर का शुभारंभ मील के सहायक उपाध्यक्ष एसपी सिंह तथा महाप्रबंधक गन्ना अजय कुमार ढाका द्वारा किया गया। देखिए अफजलगढ़ से हमारे संवाददाता संगम चौहान की रिपोर्ट। जी डॉक्टर साहब बताएं। मैं डॉक्टर वीर सिंह, चिकित्सा अधिकारी द्वारिकेश शुगर मिल अफजलगढ़। और जैसा कि आज आप देख रहे हैं कि आज हमारे यहाँ आई चेकअप कैंप लगा हुआ है, और ये हमने अपने वर्करों के लिए और उनके परिवार के जितने भी सदस्य यहाँ रहते हैं उन सभी का आई परीक्षण किया जाएगा। और उसमें जो भी अगर चश्मे की किसी को आवश्यकता होगी तो चश्मा एडवाइज किया जाएगा, और किसी को अगर दवाई की आवश्यकता होगी तो दवाई एडवाइज की जाएगी। और इसके लिए हमने सीएल गुप्ता आई इंस्टीट्यूट मुरादाबाद से ये टीम बुलाई है, विशेषज्ञों की टीम है। इसमें सभी की जांच निःशुल्क होंगी, कोई पैसा नहीं लगेगा। और इस तरह के कैंप हम अपने कर्मचारियों के लिए और उनके परिवार के सदस्यों के लिए समय समय पर करवाते रहते हैं, अलग अलग अस्पतालों से। कभी हार्ट के लिए, कभी आंखों के लिए, कभी दांतों के लिए, कभी रेस्पिरेशन के लिए, कभी बच्चों के लिए। तो ये प्रक्रिया हमारी साल भर चलती रहती है। और कोई हमारा किसान भी ऐसा ज़रूरतमंद है और उसको पता लगता है, वो भी आता है, तो हम उसके लिए भी स्वागत करते हैं और उसको भी हम निःशुल्क ये सुविधाएँ अपने यहाँ प्रोवाइड कराते हैं। और कोशिश करेंगे कि भविष्य में और भी अगर इस तरह की जो भी हमें आवश्यकता लगती है वो हम कराते रहेंगे। ठीक। बिजनौर की सभी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।